लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो रामानुजन, तुम एक जीनियस हो, है कि नहीं? तो अब तुम्हें फोर्ट्रेस में क्लर्क की नौकरी मिल गई है, तो तुम्हारी आर्थिक दिक्कतें कुछ कम तो हो गई होंगी, कम से कम कुछ तो। वो क्या है, कलेक्टर राव ने इस पोस्ट के लिए तुम्हारी सिफारिश ही नहीं की, बल्कि मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा खास ख्याल भी रखूं। मैनेजर सर, आपको नहीं पता कि आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपकी सहायता से मैं अपनी माँ के साथ और पत्नी के साथ मद्रास में रहने के काबिल हो गया हूँ। और खास बात यह है कि यहाँ का जो मेरा काम है वो बहुत ही आसान है। मेरा सारा काम आधे घंटे में हो जाता है और मुझे बहुत सारा वक्त मिल जाता है गणित पर रिसर्च करने के लिए। ये क्या है, एक ही कागज पर इतना सब कुछ लिख दिया और वो भी अलग अलग रंगों से? ये मेरे रिसर्च पेपर है सर। मुझे तो किलो के हिसाब से पन्ने चाहिए अपने कैलकुलेशंस के लिए, वो मैं कैसे जमा कर सकता हूँ? इसलिए पन्ने बचाने के लिए मैं पहले पेंसिल से लिखता हूँ और उसके ऊपर लाल स्याही से। इससे एक पन्ना दो बार इस्तेमाल हो सकता है। क्या बोलूँ रामानुजन, तुम्हारी प्रतिभा का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम पर तो सच में ईश्वर की कृपा है। आज बहुत काम था बेटा। हाँ माँ। तो तू कोट निकाल कर आराम क्यों नहीं कर लेता? हाँ? नहीं माँ, विक्टोरिया हॉस्टल के स्टूडेंट्स किसी भी समय ट्यूशन्स के लिए आ सकते हैं। क्या रमंजा, अभी अभी काम से थक कर आया है और अब ट्यूशन लेना है? माँ, कलेक्टर राव जी को मैंने पैसे भेजने से मना कर दिया है। पोर्टर से तो मुझे केवल 30 रुपए मिलेंगे, इससे परिवार का खर्चा तो नहीं चल सकता है ना माँ। जानू, तू क्यों रो रही है बेटा? मैं यहाँ सुबह से उनकी राह देख रही हूँ और काम से आने के बाद उन्होंने एक शब्द भी मुझसे बात नहीं की। उन्हें सिर्फ बाहर वालों की परवाह है, मेरी नहीं। यही सोच सोच कर रोना आ रहा है मुझे। गुरु ने शिष्या से कहा कि जाकर पेड़ से अंजीर तोड़ लाएं। शिष्या अंजीर लेकर आती है और कहती है, ये रहा गुरुजी। गुरु उसे काटने के लिए कहते हैं और पूछते हैं, अंदर क्या दिखता है? शिष्या उसे काटकर खोलती है। मुझे तो एक बीज दिख रहा है, शिष्या कहती है। तो गुरु उसे किसी एक बीज को लेकर काटने को बोलते हैं और कहते हैं, आप बताओ उसके अंदर क्या है। शिष्या बीज को काटती है और कहती है, कुछ भी नहीं है गुरुजी। गुरु फिर कहते हैं, उस कुछ नहीं से आज ये अंजीर का पेड़ उगा था। इसी तरह फाइनाइट नंबर्स निकलते हैं शून्य के शून्य से। माँ जी, थोड़ा सा पानी मिलेगा? बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नरसिम्हाचारी। वो क्या है ना बेटा, तुम्हारा दोस्त अब कुवारा नहीं रहा, शादी हुई है उसकी और उसके पत्नी के साथ उसने वक्त भी नहीं गुजारा। और तुम लोग उसके साथ गप्पे लड़ाते हो, अच्छा लगता है क्या? तुम लोगों को नहीं लगता कि वो दो प्यार की बातें अपनी पत्नी के साथ करे? समझ गया माँ जी, मैं चलता हूँ। मैं ऐसी कई कहानियां सुना सकता हूँ रामानुजन, आज के लिए बस इतना ही काफी है। काफी? मैंने तो अभी सिर्फ उपनिषद से कहानियां सुनाई हैं, असली पढ़ाई तो मैंने अब तक शुरू ही नहीं की है। फिलहाल तुम्हें किसी और को पढ़ाने की जरूरत क्या? ये क्या बोलकर चले गए? नौकरी के लिए ना जाने मैं कितना भटका। कई बार तो लगा कि मैं तुम्हें कभी मद्रास ला ही नहीं पाऊंगा। सच में बहुत डरता था मैं। पर अब तो आप मुझे ले आए हैं। अभी तक तो लगता था कि गणित की दुनिया सबसे सुंदर है, लेकिन जानकी, तुम भी बहुत सुंदर हो। Ah
कहाँ चली गई थी? क्या हुआ? वो आपकी माँ ने बताया था कि रात में आपके सपने में देवी नमगिरी थायर आती हैं और वो गणित के जादुई मंत्र बताती हैं और फिर आप उनके बताए हुए जादुई मंत्र इस लेट पर लिख लेते हो, है ना? आज जब हम सो जाएंगे और अगर आपके सपने में देवी आई तो आप क्या बिना कपड़े के ही भागेंगे और फिर माँ क्या सोचेगी? इसलिए मैं ये स्लेट खुद ही जाकर ले आई। पर तुमने तो पहली रात में कहा था कि गणित तो तुम्हारी सौतन है और तुम मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे भगा दोगी, लेकिन अब तो तुम खुद ये स्लेट लेकर आ गई। समझौता कर लिया क्या उससे? बात ये है, ये जो गणित नाम की सौतन है मेरे पति के लिए नाम और खुशी लाती है, तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मतलब तो क्या अब तुम मुझे अपने प्यार में नहीं फंसाओगी? चाहती तो हूँ, पर लगता है अब मैं खुद ही फंस चुकी हूँ। मिस्टर अय्यर। जी सर। आपके ये पर्सनल पेपर्स ऑफिस फाइल में क्या कर रहे हैं? देखिए इधर, कुछ तो अजीब से कैलकुलेशन से भरे पड़े हैं। मुझे माफ करिए सर, ये मैंने नहीं यहाँ पर रखे, शायद रामानुजन ने यहाँ गलती से रखे होंगे। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है? रामानुजन सर क्लर्क है रिकॉर्ड सेक्शन में। तुम में से रामानुजन कौन है? मैं हूं सर। तुम यहां कौन सा काम संभालने आए हो? मैं यहां नोटिंग का काम करता हूं। और ये अजीबो गरीब कैलकुलेशंस क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस फाइल में? क्या ये काम ऑफिस के काम से संबंधित है? नहीं सर, ये मेरे थियरम्स हैं। थियरम्स? ये क्या चीज है? मेरी नोटबुक्स। मैं यहाँ अपने गणित के रिसर्च के बारे में लिखता हूँ। क्या इसे पता नहीं कि यहाँ ऑफिस में पर्सनल चीजें लाना मना है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मुझे ये सब बिना मतलब के काम ऑफिस में नहीं चाहिए। मेरी बात ठीक से समझ लो, समझे? जी। तुम और कुछ नहीं बोल सकते थे क्या? मरवा दिया। आ जाओ। रामानुजन, आज से तुम रिकॉर्ड सेक्शन के काम से डिसमिस किए जाते हो। सर, मैंने अपना परिवार यहाँ बुला लिया है अपने पास, वो सिर्फ मेरी कमाई पर आश्रित हैं। सर, मैं कसम खाता हूँ ऑफिस में दोबारा ये काम नहीं करूँगा। प्लीज सर, मुझ पर दया कीजिए। माय डियर फेलो, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि रिकॉर्ड सेक्शन से डिसमिस किए गए हो।
क्या मैंने ये कहा कि पोर्ट ट्रस्ट के काम से डिसमिस किए गए हो? बैठ जाओ रामानुजन, प्लीज सिट डाउन। मैंने तुम्हारी नोटबुक पढ़ी और तुम्हारी मेहनत भी, बल्कि ये कहना चाहिए कि अद्भुत प्रतिभा को भी देखा, कमाल है। मेरे ऑफिस में एक हीरा भी है ये पता नहीं था, और ये वाकई शर्म की बात होगी अगर इतने जीनियस मैथमेटिशियन को रिकॉर्ड सेक्शन में रखा जाए तो। क्या कहते हो तुम मिस्टर अय्यर? जी सर। रामानुजन को इसी वक्त एक अलग कमरा दिया जाए जहां वो ऑफिस का कोई भी काम नहीं करेगा, और तुम अपनी गणित की पढ़ाई को जारी रखोगे, समझे? सर आप सच में महान हैं। मैं मद्रास यूनिवर्सिटी से बात करूंगा तुम्हें रिसर्च में मदद करने के लिए, और रामानुजन मैं जितना हो सके मदद करूंगा, पर मेरी सलाह ये है कि तुम अपने रिसर्च पेपर्स इंग्लैंड के कुछ एकेडमिक्स में भेजो। थैंक यू सर, मैं भेजूंगा। इट्स ऑल राइट माय डियर फेलो। तो रामानुजन, आखिरकार अलग रूम मिल ही गया, अब तुम्हें सिर्फ अपने रिसर्च पर काम करते रहना है। हाँ, वैसे कुछ चिट्ठियां भेजे थे लंदन में? हाँ भेजे थे। मेरे पास कुछ चिट्ठियां हैं तुम्हारे लिए। प्रोफेसर हॉबसन भी बड़े दयालु किस्म के हैं, शायद वो बिजी होंगे इसलिए उन्हें चिट्ठी खोलने का समय ही नहीं मिला, पर वापस भेजने का समय उन्हें मिल ही गया। ये कौन है? ये प्रोफेसर बेकर तो उनसे भी ज्यादा दयालु होंगे। उनके पास इतना समय तो था कि तुम्हारी चिट्ठी दूसरे एनवेलप में डालकर वापस भेजी। बड़े दयालु किस्म के हैं ये अंग्रेजी प्रोफेसर। ए रामानुजन, तुम घबराओ मत। देखो ये अंग्रेज बड़े फॉर्मल किस्म के इंसान होते हैं, जब तक उन्हें कोई सिफारिश न करें वो चिट्ठी पढ़ते ही नहीं है। खैर तुम चिंता मत करो, देखो वहां लंदन में और भी प्रोफेसर होंगे, और अब तो तुम्हारे पास और भी नई थियरीज हैं। चलो भेज दो उन्हें, इस तरह हिम्मत मत हारो। यस सर। लिटलवुड को बुलाओ। हाँ लिटलवुड, अच्छा हुआ तुम आ गए। ओह, लगता है मैंने बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। नहीं बस हम बैले जाने की तैयारी में थे, लेकिन अगर कुछ अर्जेंट है तो। वैसे तो कुछ अर्जेंट ही है। लेडीज मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों को अकेले ही बैले देखना पड़ेगा, पर वादा रहा है इसकी भरपाई मैं करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। आज मुझे एक लेटर मिला किसी इंडियन क्लर्क का लिखा हुआ, जिसने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। उसका दावा है कि उसने 50 नए थ्योरम्स बनाए हैं। एक लेटर किसी पागल इंडियन से? आपने मेरा प्लान इसलिए कैंसिल करवाया? हाँ जी। लेडीज वापस आ जाइए प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके साथ। लिटलवुड रुको, पहले मेरा भी यही रिएक्शन था, पर जो थ्योरम्स उसने लिखे हैं किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। हम अगर साथ में बैठकर जांच करेंगे तो मुझे खुशी होगी। लेडीज फिर से माफी मांगता हूं, मुझे डर है कि आज की शाम इसी कॉलेज के नाम करनी पड़ेगी, पर शायद कल जरूर मिलेंगे हम। तो फिर हाँ जी, चलिए मुझे वो थ्योरम दिखाइए जो इस क्लार्क ने लिखी हैं।
ये रहे। अजीब है, हर पन्ना कूदा गया है, पर ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन और इलेप्टिकल फ्रैक्शंस अद्भुत हैं। आप सही हैं आदि, ये कोई पागल इंसान नहीं है। लगता है हम ऐसे दिमाग से टकरा गए हैं जैसे न्यूटन का था।